Good afternoon, everyone. I welcome teachers and students in this virtual Hindi poem recitation competition. We, the Prefectorial Board of Mahavir Senior Model School, has organized this competition for 8th class. Now, I request Kritika and Vishesh to take over. तीन रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिल का यही तो स्वाभिमान है, यही गंगा यही हिमालय यही हिंद की जान है, तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। Before proceeding, I will request everybody to fold their hands for Navkar Mantra. कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। देशभक्ति एक विरासत है जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है। यह एक चिंगारी है जो देश की भावना को जगाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कोविड-19 महामारी से हम पीड़ित हैं, परंतु अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाते हुए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कक्षा 8वीं के छात्र छात्राएं हैं, जिनके बीच एक हिंदी कविता वाचन प्रतियोगिता है, जिसका विषय है देशभक्ति। कृतिका, यू आर ऑन म्यूट। अब हम हमारे प्रधानाचार्य जी, सभी अभिभावक, छात्रों तथा हमारे आज के निर्णायक मैम और प्रेरणा मैम का आलियों से अभिनंदन करते हैं। तो आइए इस प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रतियोगी को बुलाकर, जिसका नाम है इशिता गुप्ता और उनकी कविता का शीर्षक है मुक्ति पर्व। सुप्रभात, आज मैं इशिता गुप्ता आप सभी के समक्ष देश प्रेम की कविता, जिसका शीर्षक है मुक्ति पर्व, उसको सुनाने जा रही हूँ। आज राष्ट्र का मुक्ति पर्व है, जागो कवि की वाणी, फूको शंख विजय का, जय हो भारत भूमि भवानी। फूलो फूल लताओ झूमो, अंबर बरसो पानी, मन मयूर नाचो रे आई प्रिय स्वतंत्रता रानी। वह स्वतंत्रता जिसकी खातिर जूझी लक्ष्मी रानी, वीर पेशवा नाना ने कर दिया खून का पानी। तांत्याटोपे ने जिसकी असली कीमत पहचानी, लड़ा गया संग्राम गदर का जिसकी अमर कहानी। वे स्वतंत्रता जिसकी खातिर बिस्मिल थे शहदाई, भगत सिंह ने हंसते हंसते खुलकर फांसी खाई। वे स्वतंत्रता जिसकी खातिर बापू जग में आए, मुक्ति युद्ध के लिए जिन्होंने नए शस्त्र अपनाए। वे स्वतंत्रता जो की हमको प्राणों से भी प्यारी थी,
वह स्वतंत्रता जिसके हित में दांडी की तैयारी थी, वह स्वतंत्रता जिसकी खातिर असहयोग अपनाया, मिट्टी में मिल गए किंतु झंडे को नहीं झुकाया, उन्हीं राष्ट्र का नमस्कार जो काम देश के आए, सेवक बनकर रहे चने तसलों में रख कर खाए, भारत उनका ऋणी जिन्होंने हंसकर कष्ट उठाए, सदा कर्मरत रहे नाम अखबारों में ना छपाए, नेताजी तुम कहाँ छिपे हो, याद तुम्हारी आती, भारत के बच्चे बच्चे की भर भर आती है छाती, सदियों पीछे आज जमाना ऐसा शुभ आया है, जब अशोक का चक्र पुनः भारत में फहराया है, जबकि हिमालय का सिर ऊंचा गंगा गौरव गाती, जब भारत की जनता जय नेहरू पटेल की गाती, मुक्त पवन में सांस ले रहे अब भारतवासी है, पूरब में प्रकाश फैला है स्वर्णिम उषा प्रकाशी है, भारत वर्ष स्वतंत्र हुआ अब गाँव नया तराना, नया एशिया जागा है अब बदला नया जमाना, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तो चलिए अब बुलाते हैं कीर्तिका त्रिपाठी को। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथी, मैं कीर्तिका त्रिपाठी कक्षा 8वीं ब की छात्रा आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विदा करो माँ, जाते हैं हम विजय ध्वजा फहराने, आज देश स्वतंत्र बनाने जाते हमने शीश चढ़ाने, आज वीर प्रसूत तो रोते क्यों है, वीर प्रसूत तो रोते क्यों है, एक अहिंसा मेरे हाथ मलिन वेश ये आंसू कैसे, क्यों कंपित होता है गर्व, तेरे चरणों की रज लेकर जाते हैं करने रणरंग, फिर भय किसका है, ये जननी निर्जन रहे हमारे संग, अहिंसात्मक सत्याग्रह की बाजेगी रणभेरी आज, तब रिपुदल सब यही कहेगा तुम लो देश अपना आज, तब रिपुदल सब यही कहेगा तुम लो देश अपना आज, उन्नत से नत हो जाएंगे, उन्नत से नत हो जाएंगे, टूट पड़ेंगे नब के तार, विश्व देखता रह जाएगा जब सत्याग्रह की होगी मार, विश्व देखता रह जाएगा जब सत्याग्रह की होगी मार, वीर मुल्क के लखे तमाशा, वीर मुल्क के लखे तमाशा, धन्य धन्य भारत संतान, फिर से गुरु करो भारत को तभी होए आपका मान, फिर से गुरु करो भारत को तभी होए आपका मान, चलो चलो सब भारत वीरों, चलो चलो सब भारत वीरों, संकट तारण माँ के आज, बहुत दुख माता ने पाए अब तो इसकी राखो लाज, बहुत दुख माता ने पाए अब तो इसकी राखो लाज। धन्यवाद। प्रस्तुति। स्वागत करते हैं अभीर वर्मा का, जिसकी कविता का शीर्षक है आज तिरंगा फहराते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अभीर वर्मा, कक्षा 8वीं का छात्र, आज आपको अपनी कविता आज तिरंगा फहराता है प्रस्तुत कर जा रहा है। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें लिया दिव्य शहीदों बलिदान, आजादी के लिए हमारी लंबी लड़ाई, को लोग ने प्राणों की कीमत भी चुकाई थी, व्यापारी बन आए थे और हलचल पर राज किया, हमको अपने लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमें अपना गर्व पाए अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, गांधी लख सुभाष बार का प्यारा ये देश है, जियो और जीने दो देता सब संदेश है, पैरी अंदर हिमालय जिसके उत्तर द्वार पे हिंद महासागर दक्षिण के लिए शेष है, लगी गुने दसों वीरों के योगदान से, हमें मिली आदि वीर शहीदों के बलिदान से, हमें हमारी मातृभूमि इतना मिला दार है, उसके चली छाया छोटा संसार है, हम हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, तो पूछो पूरा सारा ही परिवार है, विज्ञान की चढ़वा अपने हिंदुस्तान से, अपने लिया वीर शहीदों के बलिदान से, जय हिंद जय भारत। थैंक यू। शानदार कविता वाचन। तो अब बुलाते हैं रिद्धिमा गोयल को अपनी कविता के साथ। सबसे पहले तो मैं क्या बदल कारगिल विजय की सेनानी सीमा के दर्शक अड़ेगी, तुमको मेरा शत कोटि नमन, जब चांद से माल धधक उठा झंडों से गए फूटी,
जल उठा स्वर्ग से धरती का, तब दिल्ली की निद्रा टूटी, बज उठी भयंकर रणभेरी, पत्थर पत्थर हुंकार उठा, केसर की क्यारी क्यारी से पौरुष का स्वर झुंकार उठा, कर उठा अग्नि की दृष्टि व्योम, होड़ डग धरती की रिवन, लाहौर घोषणा की व्यापक चर्चा में उलझा था स्वदेश, चुपके चुपके उस शत्रु घुसा घर कर छद्मवेश, नापाक पाक के मनसूबे जाहिर हो गए एक क्षण में, पर मुंह के खानी पड़ी उसे अपने ही प्रायोजित रण में, हारा फिर चौथी बार विदभागा ने शेष प्राण का धन, तुमने निज पौरुष से असंख्य अरियो के मस्तक तोड़ दिए, कारगिल पटल द्रास आदि ये शिखर शत्रु ने छोड़ दिए, वे छद्मवेश धारी सैनिक तुमने ही मार भगाए थे, चोटी चोटी पर गजे केतु तुमने चढ़कर फहराए थे, पाकिस्तानी छड़ियन ध्वस्त कर तुमने किया पूर्ण निज प्रण, यौवन का लहू भा दोया हिमगिर के माथे का कलंक, अनगिन प्राणों के रत्न लुटा कर दिया सज्जत राष्ट्रंग, गौरव गोदे सुनी हो गए किंतु गौरव से उन्नत हुआ भाग, खुश हो गए काल की गोद में बनकर दुश्मन के महाकाल, कर रहा याद बलिदान राष्ट्र है, दृढ़ सनी हम जनगण मन, दृढ़ सनी हम जनगण मन बनकर, तुमने बड़े आगे राष्ट्र पीछे से हर हर महादेव बोला, दुश्मन की गोली गोली का बनकर जवाब छूटा गोला, हो गए बलिदान वीर धरती का कण कण कहता है, जिनके कारण संपूर्ण राष्ट्र दिन रात चैन से रहता है, अर्पित करता है राष्ट्र तुम्हें बद्धांजलि श्रद्धांजलि पावन, धन्यवाद। चलिए अब बुलाते हैं गौरी जैन को, जिसकी कविता का शीर्षक है आज तिरंगा फहराते हैं। गौरी जैन, हर ऑडियो इज डिस्कनेक्टेड, प्लीज इनवाइट अनदर पार्टिसिपेंट। तो चलिए बुलाते हैं नितिज्ञा को, जिनकी कविता का शीर्षक है झांसी की रानी। शुभ प्रभात, मेरा नाम नितिज्ञा है, आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंश ने फिकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, भूली हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगे को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में बस तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत चमक उठी सन 57 में बस तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बच्ची डाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, अब स्वागत कीजिए प्राची ठुकराल का। सुप्रभात, मेरा नाम प्राची ठुकराल है तथा मैं कक्षा 8वीं ब की छात्रा हूँ, आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनता है, साथ खड़े हो रहने वाले देश तभी बनता है, बड़ी बड़ी हम देश प्रेम की बात किए जाते हैं, वक्त पड़े तो अपनों के भी काम नहीं आते हैं, सरहद की रखवाली को सेना अपनी करती है, पर अंदर सड़कों पर लड़की चलने में डरती है, युवा शक्ति का नारा सुनने में अक्सर आता है, सही दिशा भी किसी युवा को नहीं दिखा पाता है, खेत हमारी पूंजी है और फसल हमारे गहने, क्यों किसान फिर कहीं लगे हैं जान स्वयं की लेने, थाल सजा है कहीं परंतु भूख नहीं लगती है, किसी की बेटी भूख के मारे रात रात जगती है, क्या 67 सालों में ये आजाद वतन अपना है,
क्या यही भगत सिंह और महात्मा गांधी का सपना है? क्यों इसीलिए आजाद गोली खुद को मारी है? क्या इसीलिए रण में कूदी वह नन्ही सी जलकारी है? जो फूल सूख कर बिखर गया वह वापस नहीं खिलेगा, जो समय हाथ से निकल गया वह वापस नहीं मिलेगा। पर अकलमंद को एक इशारा ही काफी होता है, सुधार ही हर गलती के लिए असली माफी होता है। मंजिल दूर नहीं राही जब कर ले अटल इरादा, अपना हाथ उठाकर आज अपनों से कर लो ये वादा। मेरे सामने कोई कभी भी भूखा नहीं मरेगा, मेरे रहते अन्याय से कोई कभी भी नहीं डरेगा। शपथ ग्रहण कर आजादी का उत्सव आप मनाते हैं, देश बुलाता है आओ कुछ काम तो इसके आते हैं, कुछ काम तो इसके आते हैं। धन्यवाद। बहुत ही मधुर कविता। तो आइए फिर से स्वागत करते हैं गौरी जैन का, जिनकी कविता का शीर्षक है आज तिरंगा फहराता है। विशेष है, ऑडियो इज स्टिल नॉट कनेक्टेड। द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। तो चलिए बुलाते हैं अनन्या जैन को अपनी कविता के साथ। देश में मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम अनन्या जैन है। मैं आठवीं की छात्र आपके सामने एक राष्ट्रगीत प्रस्तुत कर रही हूँ। सारे जग को पथ दिखलाने वाला जो ध्रुव तारा है, भारत भूमि जन्म दिया है, ये सौभाग्य हमारा है, ये सौभाग्य हमारा है। धूप खुली है, खुली हवाएं सौ रोगों की एक दवा है। चंदन की खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा है। इस दुनिया जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर कौन देश है इस धरती पर? इसमें जीना भी प्यारा है, इसमें मरना भी प्यारा है, इसमें जीना भी प्यारा है, इसमें मरना भी प्यारा है। चाहे आंधी शोर मचाए, चाहे बिजली आग दिखाए, हम न डरेंगे, हम न झुकेंगे, यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है। पर्वत पर्वत पांव पड़ाता, सागर की लहरों पर गाता, आसमान में राह बनाता, चलता मन बन जा रहा है। चांद और मंगल का सपना सच होने जाता है अपना। अमर तिरंगा ध्वज उछाल कर नवयुग ने ललकारा है। भारत भूमि ने जन्म दिया है, ये सौभाग्य हमारा है, ये सौभाग्य हमारा है, ये सौभाग्य हमारा है। धन्यवाद। मधुर कविता। स्वागत कीजिए जयेश गुप्ता का अपनी कविता के साथ। सुप्रभात, आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं जयेश गुप्ता आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति के ऊपर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर आजादी को बचाना चाहते हो तो देश के लिए लहू बहाना होगा। जो देश की खातिर जीते मरते हैं उनको अपना शीश झुकाना होगा। जो चाहते हो जय हिंद का नारा बुलंद रहे तो तुम्हें सुभाष बन जाना होगा। अगर अकबर को उसकी औकात दिखानी है तो खुद को प्रताप बनाना होगा। अगर आजादी को बचाना चाहते हो तो देश के लिए लहू बहाना होगा। मुगलों से लोहा लेना है तो शिवाजी बनकर आना होगा। गौरी को उसकी मौत की नींद सुलानी है तो पृथ्वीराज सबार चलाना होगा। अगर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने हो तो लक्ष्मीबाई बन जाना होगा। कभी मंगल कभी भगत तो कभी आजाद बनकर इस धरती पर आना होगा। अगर आजादी को बचाना चाहते हो तो देश के लिए लहू बहाना होगा। जाति धर्म देख बिना देश द्रोहियों को अपने हाथों से मिटाना होगा। नई पीढ़ी अभिमन्युष गर्भ में देशभक्ति का पाठ पढ़ाना होगा। तुम्हें व्यक्तिवाद छोड़कर राष्ट्रवाद अपनाना होगा। हर व्यक्ति में भारतीय होने का स्वाभिमान जगाना होगा।
अगर आजादी को बचाना चाहते हो तो देश के लिए लहू बहाना होगा, लोकतंत्र को सत्ता लोलुपों से मुक्त कराना होगा, देशभक्ति में भारत का सबसे बड़ा धर्म बनाना होगा, वीरता में परंपरा आगे बढ़ाना होगा, हर भारतीय को देश के लिए जीना सिखाना होगा, एक ही नाम मेरा भारत महान सभी का नारा होगा। धन्यवाद। उत्कृष्ट प्रस्तुति। आगे बढ़ते हुए बुलाते हैं अरहान यादव को। सुप्रभात गुरुजनों एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम अरहान यादव है, मैं आठवीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति पे कविता सुनाने जा रहा हूँ। बस इस तिरंगे की पहचान को देखना, कभी इन पत्थरों पर चल के देखना, कभी इस मिट्टी की खुशबू महसूस करके देखना, है हर चाल में कितना प्यार कभी आजमा के देखना, बस इस तिरंगे की पहचान को देखना, जो अपने प्राणों की बलि चढ़ाई उनके परिवार को देखना, उन सिपाहियों की माँ के गीले चुनरी के पल्लू को देखना, उनके घर की किसी कोने में बुझे दिए की आस को देखना, उनके आंगन में गूंजते वंदे मातरम को सुनना, बस इस तिरंगे की पहचान को देखना, थोड़ी दिए की लौ खुद के दिल में भी जलाओ, किसी के आंसुओं की कीमत तुम भी जानो, ऐसा कर जाओ कि खाली ना जाए उनकी कुर्बानियां, मिट्टी के हर कण कण में वंदे मातरम सुनाई दे जाए, बस इस तिरंगे की पहचान को देखना, इसके तीनों रंगों की पहचान को देखना, एक हाथ में गीता रखना, दूसरे हाथ में कुरान, मजहब जाति भाषा की दीवार ना हो इसका स्थान रखना, प्यार और देशभक्ति की चुनर ओढ़े ऐसा हिंदुस्तान बनाए रखना, बस इस तिरंगे की पहचान को देखना। धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए बुलाते हैं मोनिका को। मोनिका, शी इज नॉट हियर। कृतिका, आइए अब बुलाते हैं वैभव गर्ग को अपनी कविता के साथ। नमस्कार, मैं वैभव गर्ग आठवीं सा का छात्र आप सभी के समक्ष भारत देशी गुणगान करने वाली एक कविता को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे श्री कृष्ण सरल जी ने लिखा है और इस कविता का शीर्षक है यह देश हमारा है। यह देश हमारा है, हमारा है, हमारा, इस देश का कण कण हमें प्यारा, हमें प्यारा, इस देश के इतिहास में है गौरव की कथाएं, इस देश के बलिदान की चलती है हवाएं, इस देश का भूगोल है हम सबको सहारा, यह देश हमारा है, हमारा है, हमारा, भंडार संपदा का हर पर्वत यहाँ रहा, भंडार संपदा का हर पर्वत यहाँ रहा, पानी नहीं नदियों में जीवन यहाँ बहा, मोती उंडेलता है, मोती उंडेलता है, यह सिंधु भी खारा, यह देश हमारा है, हमारा है, हमारा, हमारा है, हमारा है, हमारा, इस देश की मिट्टी में धर्म फूले फले हैं, इस देश की मिट्टी में धर्म फूले फले हैं, हम उंगलियां सभी की थाम थाम चले हैं, यह देश रहा है सभी देशों का दुलारा, यह देश हमारा है, हमारा है, हमारा, इस देश ने उपकार है हम पर बहुत किए, है कौन जी या मरे हम देश के लिए। धन्यवाद। उत्कृष्ट प्रस्तुति। आगे बढ़ते हुए बुलाते हैं ध्रुव लोहिया को, जिसकी कविता का शीर्षक है आज तिरंगा फहराता है। सुमध्यानम। मैं ध्रुव लोहिया आप सबके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आज तिरंगा फहराता है। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया,
हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है। जियो और जीने दो का सबको देता यह संदेश है। जियो और जीने दो का सबको देता यह संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर। हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसो दिशाएं वीरों के यशगान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है। उसके आंचल की छाया से छोटा यह संसार है। उसके आंचल की छाया से छोटा यह संसार है। सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। हम ना कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे। सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। प्रस्तुति द्रो, आगे बढ़ते हुए स्वागत करते हैं आरशी का अपनी कविता के साथ। सुप्रभात, मेरा नाम आरशी जैन है। मैं आप सबके समक्ष अपनी हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मत बांटो इंसान को। धरती मंदिर गिरजा घर ने बांट दिया इंसान को। धरती बाटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। धरती बाटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी रहा तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है। उजियारा महरों में बंदी हर दीपक मजबूर है। उजियारा बहरों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मेरा ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। मिला ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अभी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है। अभी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है। पढ़ना प्यार जो जग सूना जलता रेगिस्तान है। पढ़ना प्यार होता जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। साथ उठे तो सब पहरा हो हर सूरज के हर द्वार पर। साथ उठे तो सब पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हको खिलती हुई बाहर पर। हर उदास आंगन का हको खिलती हुई बाहर पर। रौन ना पाएगा फिर कोई रौन ना पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। रौन ना पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। धन्यवाद। अद्भुत कविता। तो अब बुलाते हैं वेदिका को अपनी कविता के साथ। वेदिका, शी इज नॉट प्रेजेंट है। अब बुलाते हैं गौरी जैन को उनकी कविता के साथ। सुप्रभात दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है आज तिरंगा फहराता है। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जोहर का प्यारा यह देश है। जियो और जीने दो का
देता सबको संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, इसकी आंचल की छाया से छोटा यह संसार है। हम ना कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं हमारे हिंदुस्तान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। जय हिंद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आज का यह सत्र बहुत ही आनंदमय और उत्साहजनक था। इन कविताओं से को सुनकर हम सबकी देशभक्ति की भावना और दृढ़ हो गई है। जब तक हमारा निर्णायक मंडल, I would like to intervene, Kritika, I'm so sorry. I would like to welcome our honorable director, sir, Sri S.L. Jain ji. Thank you so much, sir, for coming. Thank you. I welcome, sir. Thank you so much for sparing yourself for us. Thank you, sir. Continue with निर्णय घोषित करते हैं। सत्यदेव सर को बताना चाहूंगी सब करने के लिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद। और हमने ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बच्चों की देखी है और बच्चों के जो मनोभाव हैं और जो उनके उद्गार हैं वो वास्तव में हमारे लिए भी बहुत अच्छे बातें बच्चों ने बताई हैं, हमारे लिए भी प्रेरणादायी हैं। और देश हमेशा हमारे जीवन में सबसे ऊपर रहना चाहिए और हम अपने जीवन को तभी आगे बढ़ा सकते हैं कि जब हम अपने देश के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर के कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जो देशभक्ति है वो केवल बॉर्डर पर जाकर के देश की रक्षा करने वाले जो सैनिक है वही देशभक्ति का जीवन जीने या उस तरह से कार्य करना ही केवल देशभक्ति नहीं है। निश्चित रूप से उनके जैसा कार्य करना और हर समय आत्म बलिदान के लिए तत्पर रहना ये हर एक के बस की बात भी नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं वो वास्तव में हम सबके नमन योग्य है कि हम उनके देश उनके कार्य को उनकी क्षमताओं को उनके उत्साह को और उनके निर्भयता पूर्वक डटे रहने के जो उनका अदम्य साहस है उसको हम नमन करते हैं। लेकिन जहाँ जिस रूप में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से हम करें, अपना सहयोग हम जो है राष्ट्रीय प्रगति में अपने दायित्वों को निभाते हुए आगे बढ़ते रहें, तो यही हमारे लिए देशभक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि हम अपने कार्यों के द्वारा अपने सामर्थ्य से हम देश के लिए क्या कार्य कर सकते हैं और उसको हम किस तरीके से कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। केवल देशभक्ति के लिए जो जान न्योछावर करने की हमेशा बात करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि जान न्योछावर करना एक अलग अर्थ होता है, लेकिन अपने आप को देश के कार्य में लगाना यही हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य होता है देश की प्रगति में। और हर जब हम एक उसको देखते हैं, एक चींटी के समूह को भी देखते हैं, तो उसका भी जो समूह होता है उसमें सब लोग भी सब की भूमिकाएं अलग अलग बटी हुई होती हैं। आपने कभी चींटी के समूह को ध्यान से देखा हो तो उसमें कुछ सामान्य आकार की चींटियां होती हैं, कुछ उसके अंदर बड़े आकार की चींटियां होती हैं। और जब वो किसी सामान को उठा करके लाते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का जो चींटियां हैं उनका अलग अलग तरह से सही भूमिका में वो काम करते हैं। कोई पहले जाकर के जगह पर अलग अलग घूमते हुए खोज करता है किसी वस्तु की, फिर वो जाकर के सूचना देता है, फिर सारे
सेना उनकी आती है उसमें भी कुछ बड़े बड़े मोटी मोटी चीटियां होती हैं, फिर वो लेकर के उसको जाती हैं। तो सब अपनी अपनी भूमिका से उस छोट जो हमें एक देखने में लगता है कि चीटी के आकार से बड़ी चीज है, कैसे इसको कोई चीटी ले जा सकती है, अपने से कई गुना ज्यादा वजन को वो सब मिलकर के जो है उसको अपने बिल तक उसको लेकर के चले जाती है वस्तु को। कई बार उसमें उठती हैं, गिरती हैं, लड़खड़ाती हैं, लेकिन फिर बार बार कोशिश करके उसमें वो सफल होती है। तो हम भी उसी तरीके से देशवासी होने के नाते अलग अलग भूमिकाओं में हम सब लोग अपने आप को देखते हैं और अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और जो आज के हमारे भविष्य है देश के, हमारे बीच में आज के छात्र, तो वो इसी तरीके से अपने कार्यों को करते हुए, अच्छी तरह से अपने भूमिका को निर्वाह करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को ये देश प्रेम हमेशा लगा रहे, देश प्रेम का रोग हमेशा लगा रहे, इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। हमारे बीच वेदिका जैन उपस्थित है, मैं चाहूंगी कि वो अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात, मैं वेदिका जैन कक्षा 1 साल की छात्र आप सभी के सामने अपनी कविता की प्रस्तुति देने जा रही हूँ। वेदिका, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सॉरी, नोट ऑफ नेटवर्क इशू, आई डोंट नो व्हाई। इज इट क्लियर नाउ? हाँ बेटा, कोई नहीं, करिए बोलिए। दादी के कई साल में कहीं पर क्या हमने पाया है, सोचा था क्या होगा, एग्जाम में क्या आया है, रंग ना जिसे देश वो अपना बाबू का था सपना, चाचा बोले आगे बढ़ना, भ्रष्टाचार हटा देंगे सभी को, जिसका there seems to be a connectivity issue. Let's move ahead. Yeah. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कमलदीप मैम को, ताकि वह हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करें। कमलदीप मैम, yes, am I audible now? Yes, ma'am. Thank you. Good afternoon and Jai Jinendra to all of you. It is really a great pleasure to see so beautiful poems being recited by the students, and it really, you know, invokes, you know, a feeling of patriotism, love for our nation, jo waise bhi hai, lekin jab hum kuch bhi aisa sunte hain to zyada connected ho jate hain. So I really congratulate all the participants. Beautifully they have put their thoughts and love for the nation, and a great effort by all our students, those who are organizing it. Thank you so much, and happy Independence Day from my side to all of you on this occasion. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. कार्य को सफल करने में छात्रों एवं अध्यापक गणों के साथ प्रधानाचार्य जी का अहम योगदान होता है। मे आई नाउ रिक्वेस्ट आवर डायनामिक एंड हार्ड वर्किंग प्रिंसिपल मैम मिसेस रुचिका सुखीजा टू प्लीज एनकरेज द स्टूडेंट्स एंड डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ टुडेज कंपटीशन। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच कृतिका। आई विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड पार्ट फर्स्ट। शी टोल्ड मी टू डिक्लेयर द रिजल्ट एंड द रिजल्ट टू मी आर दैट ऑल ऑफ यू आर विनर्स। You know, as I was listening to each and every poem being recited here, I was myself, you know, I did not move from here. I was myself so engrossed in what you were saying
everybody was saying with so much of clarity. In fact, मैंने कुछ कुछ बच्चों के लिए नोट किया, लेकिन जब मैं नोट करती गई तो मुझे लगा कि this is endless. मतलब हर बच्चा इतनी यूनिक चीजें लेकर आ रहा है यहाँ पर that I am even not able to make out. So I am very sure it is a very very difficult job for the judges today as to decide who should be the winner. But for me, let me tell you, all of you are winner because you all, each one of you brought something very very unique. तो जब जयेश बोल रहा था तो I was looking at the confidence with which he was speaking. इशिका बोल रही थी, I was looking at the preparation. Come on, मतलब not only the background, the face, every preparation that she had made. So I was wondering how many hours had she put into it. वैभव, ध्रुव, their pronunciation. अरहान ने इतने प्यारे gestures दिए, clear cut gestures दिए, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की कि हमने इंसानों को नहीं बटने देना है, हमने किसी के काम आना है. सो आई हैड लॉट ऑफ टेक अवेज टुडे, लॉट ऑफ टेक अवेज. सो थैंक यू सो मच टू मी एवरीवन इज अ विनर. बट यस, एज कमलदीप मैम सेड दैट यस, डीप डाउन ऑल ऑफ अस आर पेट्रियोटिक, बट समटाइम्स हैविंग दीज काइंड ऑफ ओकेजंस एंड हैविंग दीज काइंड ऑफ सो एंथुजियास्टिक पोम्स हेल्प यू ब्रिंग दैट पेट्रियोटिज्म ब्रिंग टू फोरफ्रंट. So yes, indeed, patriotism is there. But as sir said, कि patriotism क्या सिर्फ तभी आता है जब हम सरहद पर लड़ने जाते हैं, and I lack to it, या फिर जब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं तभी patriotism जागता है? नहीं, हमारा patriotism, as sir said, should be apparent in each and everything that we do. And what is that each and everything? That whatever I am doing it diligently, I am doing it very properly. And that I think is patriotism. So today Prime Minister of India is talking about Atmanirbharta. Today he is talking about Swachhata. These are the two missions that we are talking about on this particular Independence Day. So agar aaj maine soch liya, yes, main apne aap ko Atmanirbhar bana lunga. I need not rely on tuitions. I need not rely on any external sources. मैं आत्मनिर्भर हूँ. और मैंने थोड़ा सा खाना बनाना भी सीख लिया, दैट इज ऑल्सो गुड, कि मम्मा नहीं कर पा रही हैं, या आज मैंने मम्मा को सरप्राइज दिया दैट यस्टरडे आई एम गोइंग टू मेक द फूड एंड मम्मा यू डू रेस्ट टुडे, यू टेक रेस्ट टुडे. सो दैट इज ऑल्सो आत्मनिर्भरता. देन स्वच्छता, क्या मैं अपने आसपास, एम आई मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, इज इट ओनली माई हाउस, एम आई थ्रोइंग द गार्बेज आउट, और इज इट माई इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑल्सो. I'm sure half the parents are always shouting over this ki aap apna room saaf kijiye, aap apni cupboard saaf kijiye, but we are not doing it. So are we adopting these things in our day to day life? If we are doing it, I think that is marvelous. So we are all winners. Aur sabne itni achhi achhi poem sunayi, so I thought let me also dedicate one poem to you. And this is one of my favorite poems. Of course, judges, I am not a participant. I am not going to read as effectively as they are going to do it, as they have already done it. But I really want to share this poem. And this is dedicated to all the participants. This is dedicated to my special prefectorial board who has organized this program with such, I'm actually fall of short of words today. With such minute details, you have taken care that everything has gone so flawless. So this is a poem for you. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चीती जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सो वेदर यू गेट एनी प्राइज टूडे, यू डोंट गेट एनी प्राइज टूडे, यू हैव ऑल पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स एंड यू आर नेवर फेलियर्स, यू कैन नेवर बी फेलियर्स. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. So this is for all of you who have put in beautiful endeavors and woven this entire program together. A very, very special mention to the Prefectorial Board who has organized it flawlessly, executed it flawlessly. And we have actually, we as teachers have learned so much from you today. So it was a program organized to the perfection. I thank Geeta ma'am, I thank Satyadev sir for coordinating this entire show, for taking this initiative of bringing the children to this platform so that they can develop their leadership skills, they can develop their oratorical skills, and above all, we can interact with each other and develop our confidence on this virtual platform. Thank you so much. All the best. All of you are winners for me. Thank you. Thank you, ma'am. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे निर्देशक श्री एस एल जैन जी को, जिनके बिना ये कार्य संपन्न न हो पाता. मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रतियोगिता का परिणाम भी घोषित करें. थैंक यू विशेष, धन्यवाद. मुझे तो सबसे अच्छी कविता आपकी मैडम, प्रिंसिपल मैडम रुचिका जी की लगी के हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती. ये बात बिल्कुल ठीक है. और इनका इंट्रोडक्शन भी बड़ा अच्छा दिया, जो बच्चे कंपेयर कर रहे थे प्रोग्राम को चला रहे हैं, उन्होंने कहा डायनेमिक एंड हार्ड वर्किंग. ये रियली शी इज डायनेमिक एज वेल एज हार्ड वर्किंग, सो दिस इज वेरी गुड. और बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया. और जो भी व्यक्ति हार्ड वर्किंग होता है, डायनेमिक होता है, वही देश वर्क. तो आप सबको भी डायनेमिक बनना चाहिए. फिर उन्होंने और सत्यदेव राठी जी ने भी बड़ी अच्छी बातें बताई देशभक्ति की. और उन्होंने भी कहा भाई आत्मनिर्भर बनो, स्वच्छता का ध्यान रखो, नई नई चीजें सीखो, अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करो. यही सब चीजें हमारे देश को बनाती हैं. अब आज हमारे देश के अंदर जो चुनौतियां हैं वो बड़ी नई तरह की चुनौतियां हैं. एक कोविड से हम जूझ रहे हैं, रोजाना नंबर बढ़ते जा रहे हैं. इसका मतलब ये हम घर में से काम करें और घर में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो घर से पढ़ाई करें, जो टीचर्स हैं वो घर से पढ़ाएं, जो ऑफिस के लोग हैं वो करें, कम से कम लोग बाहर जाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें. ये सब चीज़ें करने से फिर हमारे ऊपर चीन का आक्रमण करने का खतरा है, पाकिस्तान का खतरा है, कुछ बाढ़ आई हुई है काफी प्रदेशों के अंदर. तो बहुत ऐसी चुनौतियां हैं जिनको जूझने के लिए, जिनसे करने के लिए हमें वाकई डायनेमिक होना पड़ेगा और हार्ड वर्किंग भी होना पड़ेगा. इसके साथ साथ हमें स्मार्ट भी बनना पड़ेगा. जैसे आजकल आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट टेलीविजन है, हर तरह से हमें भी स्मार्ट बनना चाहिए. स्मार्ट बनने का क्या मतलब होता है? प्रॉब्लम आने से पहले ही हम उसका समाधान ढूंढ लें. प्रॉब्लम तो बाद में आएगी जब आएगी, लेकिन हमारे पास उनके सबके समाधान जरूरी हो. हम आगे चलें, समस्याएं पीछे आए. ये ना हो कि भी समस्याएं आ रही हैं फिर हम सोच रहे हैं तो फिर हम स्मार्ट नहीं हुए. तो इसी तरह से जो बच्चे हैं वो तो परीक्षाओं के लिए पहले से तैयारी करके रखें तो हम अपने को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे और समझ पाएंगे. तो ये स्वतंत्रता दिवस परसों है, इसके लिए आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने, कल शाम को राष्ट्रपति जी का भाषण सुने और अपने लिए कुछ संकल्प जरूर करें कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी बताते हैं, राष्ट्रपति जी बताते हैं, या आपके टीचर्स ने बताया है, या आपकी हिंदी अंग्रेजी की किताबों में लिखा है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, बहुत अच्छे अच्छे लेख हैं उसके अंदर, और उनके अंदर शिक्षाएं दी हुई हैं जिन शिक्षाओं से हम आगे बढ़ते हैं, तो उन सब शिक्षाओं का पालन करना ये भी हमारा काम है. तो आज के इस प्रतियोगिता के अंदर रुचिका मैम ने बिल्कुल सही कहा, एवरीवन इज अ विनर, देयर इज नो लूजर, क्योंकि आपने सबने मन से दिल से तैयारी की, दिल से कविताएं पढ़ी. तो मैंने भी कुछ कविताएं सुनी और मैं भी बहुत प्रभावित हुआ कि इतनी अच्छी कविताएं आपने गाई हैं. तो आप सबको बधाई और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी बधाई, बच्चों को भी बधाई और स्वतंत्रता दिवस की भी बधाई. और आप ये जो बातें बताई हैं
इनको आप ध्यान में रखेंगे, लिख लें तीन चार बातें हैं, आत्मनिर्भर बनना, डायनेमिक बनना, स्मार्ट बनना, अपने पेरेंट्स की हेल्प करना, देश का ख्याल रखना, मातृभूमि को रोजाना नमस्कार करना, वफादारी, लॉयल्टी। हमें पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए अपने देश के प्रति। कब होंगे हम देश के प्रति समर्पित? जब हम स्वयं के प्रति समर्पित होंगे, जब हम अपने को खूब सुंदर बनाएंगे, खूब होशियार बनाएंगे, तंदुरुस्त बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे, होशियार बनाएंगे, फिर हमारा परिवार स्ट्रांग होना चाहिए। परिवार के अंदर हम सब माता पिता सब लोग एक जगह से मिलकर के काम करें, फिर उसके बाद हमें गली मोहल्ले को मजबूत बनाना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए, फिर शहर को, और फिर सारा देश हमारा स्ट्रांग बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir, for enlightening us and the students. I want to just tell you that whole of the program today, Prefectorial Board and Students Council have organized to display their leadership qualities. And with your guidance and blessings, they will improve whatever drawbacks today they are observing in them. And sir, result sheet is with you. Kindly check your personal window. I have posted it to you. And please announce the result. Is it in the mail? No, yes. Sir. On your WhatsApp personal. Okay. Yes, the results are there. And in this, the marks are also there. So I should read out for everyone. Sir, positions are written against the name itself. Positions are written against the name. First, second, and third. Okay. Near the name. So the positions are, the first position goes to, if I am right, it goes to, excuse me sir, goes to Arhan Yadav, Arhan Yadav of 8B. Arhan Yadav of 8B gets 16 points and get the first position. And the second position goes to Prachi with 15.5, very close. And the third position goes to Jayesh Gupta with 15 points. So first position, Arhan Yadav with 16 points. Second position to Prachi with 15.5. And third position goes to Jayesh Gupta with 15 points. So this is really wonderful. Thank you, sir. Close contest. Thank you, sir. Congratulations to all the winners. Arhan, beginning with you, can you recite one line of your poem? Yes, ma'am. Please go ahead, beta. बस इस तिरंगे की पहचान को देखना, कभी इन पत्थरों पर चल के देखना, कभी इस मिट्टी की खुशबू महसूस करके देखना, है हर चाल में कितना प्यार, कभी आजमा के देखना. Wonderful, wonderful. Thank you so much. Prachi, thank you. Our second prize holder. Yes, ma'am. Please recite two lines for us. Yes, ma'am. अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनता है? साथ खड़े हो रहने वाले देश तभी बनता है. बड़ी बड़ी हम देश प्रेम की बात किए जाते हैं, वक्त पड़े तो अपनों के भी काम नहीं आते हैं. Wonderful. Awesome, awesome. Thank you so much. Jayesh, can we have you now? Congratulations, Jayesh. अगर आजादी को बचाना चाहते हो तो देश के लिए लहू बहाना होगा. जो देश की खातिर जीते मरते हैं उनके आगे अपना शीश झुकाना होगा. थैंक यू सो मच. वंडरफुल. थैंक यू सो मच.
So we can all clap for them. And this is for all of you, all the participants and all the organizers. Thank you so much. Thank you. Yeah, congratulations to the prize winners and the participants, of course. We have a group photograph. All of you, please switch on your video and get straight so that we can have a group photograph of all. All of you, please switch on your videos. One more I'll take, just a second. Thank you so much, Gunja.